और ये वक्त है रेडियो और टेलीविजन के मिलन का, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां रेडियो और टेलीविजन मिलते हैं। जोधपुर से आपके फेवरेट आरजे रेक्स हमारे साथ जुड़ गए। हाय, गुड मॉर्निंग आरजे रेक्स, कैसे हैं आप? नमस्ते भारत। नमस्ते भारत की पूरी टीम, प्रतिमा जी, विकास जी, कुमकुम जी और पूरी टीम को सूर्य नगरी जोधपुर का सलाम। मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। रेक्स, कैसी है आजकल की जोधपुर की सुबह? क्योंकि देखिए, देश में हालात अभी अच्छे नहीं हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है ऐसे समय पर, क्योंकि आप लोगों से लोग फोन पर बातचीत करते हैं, डिमांड्स करते हैं तरह तरह की, तो किस तरीके का माहौल भाप रहे हैं आप इस वक्त? बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, और इसी का प्रयास जो है माय एफएम लगातार कर रहा है अपने कार्यक्रम के माध्यम से। मैं सुबह से लेकर अपना शो 11 बजे तक जब तक चलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो तमाम जानकारियाँ जो मेरे शहर के लिए ज़रूरी है वो मैं डिलीवर करूँ। कई सारे एक्सपर्ट से बातें होती हैं। अभी मैं आपका शो देख रहा था, जैसा कि आपने विमान की जो सेवा शुरू होने वाली उसके बारे में जो जानकारियाँ दी, ये जानकारियाँ भी हम साझा करते हैं। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमारे शहर के लिए ज़रूरी है उनको साझा करके लोगों को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनके माध्यम से पॉजिटिव, जैसे कि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, माय जिंदगी अनलॉक, जहाँ लोगों को हम ये समझाते हैं कि किस तरह, जैसे एक छोटी सी कहानी यहाँ पर साझा करूँगा कि एक पिता जो कि संक्रमित नहीं था पर उसका बेटा और उसकी बिटिया संक्रमित थी, तो उनके इलाज के लिए उसने अपने आप को डिवोट किया, और वो खुद बताता था कि कैसे हम सब अपने आप को सेफ रख सकते हैं और कितनी सावधानी रखनी ज़रूरी है। तो ऐसी पॉजिटिव स्टोरियां जो हमारे आसपास में होती है वहां से हम लेकर आते हैं और हमारे श्रोताओं तक जोड़ते हैं। आरजे रेक्स, हम ऐसी और कहानी सुनना चाहेंगे जो जोधपुर को बाकी देश से अलग करती हो, ऐसी कहानी जो आपको इस दौरान, अपने शो के दौरान आपकी जानकारी में आई हो। बिल्कुल सर, एक स्टोरी मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एक डॉक्टर साहिबा हैं जो जिन्होंने एक रेड स्पॉट एरिया को सेलेक्ट किया कि यहाँ पर उनको ड्यूटी मिली कि यहाँ पर आपको लोगों को जागरूक करना है कोरोना संक्रमण के बारे में और टेस्ट करना है। वहाँ जब वो गए तो उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 24/7 वो डटी रही, और फाइनली आज उसी महिला के इस काम की वजह से उस एरिया में काफ़ी लोग जो हैं वो अपना टेस्ट करा पाए और काफ़ी लोग सुरक्षित हो पाए। दिल से सलाम करता हूँ मैं डॉक्टर हिना को। बहुत शुक्रिया आपका आरजे रेक्स, आप जुड़े हमारे साथ। यकीन मानिए, जोधपुर की नहीं पूरे देश की सुबह आपने आज पॉजिटिव कर दी अपनी मीठी सी आवाज सुनाकर। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कम्फर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।